अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मज़मून है उर्दू ग्रामर, जमात दोयम, उनवान है मेरा घर। आपने मेरा घर यानी कि अपने घर के बारे में चंद लाइनें लिखनी है, ठीक है। कुछ लाइंस आपने राइट करनी है आपने अपने घर के बारे में। नीचे दिए गए इशारात की मदद से अपने घर के बारे में लिखें। ये कुछ इशारात दिए गए हैं, कुछ हिंट्स दिए गए हैं, आपने उसको फॉलो करते हुए आपने चंद लाइंस राइट करनी है। फर्स्ट, कहाँ वाक़या है आपका घर, अंडरस्टैंड। कैसा है यानी कि बड़ा है, खूबसूरत है, छोटा है, कहाँ वाक़या है, मैं आप राइट कर सकते हैं ग्रीन टाउन में वाक़या है, टाउनशिप में वाक़या है, मोचीपुरा में वाक़या है, जो भी आपके नियरेस्ट कोई प्लेस फेमस है आप उसका नेम राइट करेंगे। किसी भी एरिया में आप रहते हैं आप वो राइट करेंगे कि आपका घर कहाँ वाक़या है। आपका घर कैसा है, खूबसूरत है, आपका घर बड़ा है, आपका घर छोटा है, ये आपने राइट करना है। जैसा है आपका घर आपने वैसा ही राइट करना है। कमरे, कमरे में कितने कमरे हैं आपके घर, तमाम कमरे जो है वो हवादार हैं, रोशन हैं, ठीक है, आपने इस तरह से लाइंस राइट करनी है। गुसल खाना, गुसल खाना में भी यही है कि आपके घर में कितने जो है वो गुसल खाने हैं, एक गुसल खाना है, दो गुसल खाने हैं, आपके घर जितने गुसल खाने हैं वो आप राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, गुसल खाने का मतलब आपको मालूम है ना कि जहाँ हम बाथ लेते हैं, नहाते हैं, उसे गुसल खाना कहते हैं। बावर्ची खाना, बावर्ची खाना में आप खाना बनाते हैं, तो आपके घर कितने बावर्ची खाना है और आपके जो घर में बावर्ची खाना है वो कैसे हैं, खुले हैं, रोशन हैं, हवादार हैं, या जैसा भी आपका आपके घर में आपका बावर्ची खाना है आपने उसके मुताबिक लाइंस राइट करनी है। खाने का कमरा, स्टूडेंट्स एक ड्राइंग रूम होता है, उसे मोस्टली जो है वो डाइनिंग टेबल से जो है वो सजाया हुआ होता है। वहाँ पर हम बैठ के डाइनिंग टेबल पर क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, डाइनिंग रूम बेसिकली उसको कहा जाता है। तो खाने का कमरा, अगर आपके घर डाइनिंग रूम है तो आप राइट करेंगे हमारे घर एक खाने का कमरा है या दो है खाने के कमरे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने हैं, आपने अपने घर के अकॉर्डिंग राइट करना है। बाग, आपके घर बाग है या नहीं है, अगर है बाग तो आपने राइट करना है मेरे घर में जो है वो एक बाग है और उसमें बहुत से जो है वो फूल हैं, पौधे हैं, वो आपने अपने घर के अकॉर्डिंग राइट करना है। बस ये आपको हिंट्स इसलिए दिए गए हैं, इशारात, कि आपको लाइंस राइट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। साफ़ सुथरा आप राइट कर सकते हैं, मेरा घर जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, ठीक है, मिलजुल कर रहते हैं और घर के तमाम लोग आपस में क्या है, मिलजुल कर रहते हैं। ये कुछ इशारात थे, आपने इन इशारात को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो लाइंस बनानी है स्टूडेंट्स, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसे फॉलो करेंगे। नाउ नेक्स्ट, चंद लाइंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं आपकी आसानी के लिए। मेरा घर, मेरा घर ग्रीन टाउन में वाक्या है। मैंने वाक्या को अंडरलाइन इसीलिए किया है कि फर्स्ट हिंट आपका क्या था कि मेरा घर कहाँ वाक्या है, जी तो मेरा घर ग्रीन टाउन में वाक्या है, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, मेरा घर बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत को मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया है कि आपके हिंच में क्या था कि आपका घर कैसा है, तो मैंने राइट किया है मेरा घर बहुत खूबसूरत है। आप ये भी राइट कर सकते हैं कि मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा घर जो है वो बहुत रोशन है, ठीक है। मेरे घर में पांच कमरे हैं, कमरे का जिक्र आया था तो मैंने ये लाइंस नहीं राइट की कि मेरे घर में सारे कमरे रोशन हैं, हवादार हैं, खुले हैं, मैंने ये नहीं राइट किया। मैंने राइट किया मेरे घर में पांच कमरे हैं, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, मेरे घर में एक गुसल खाना है, गुसल खाना का जिक्र था, मैंने क्या राइट किया, मेरे घर में एक गुसल खाना है। नाउ नेक्स्ट, मेरे घर में एक बावर्ची खाना है, बावर्ची खाना आपको मालूम है ना किसे कहते हैं, जहाँ पे खाना बनाते हैं बावर्ची खाना उसे कहते हैं। तो ये कुछ लाइंस मैंने राइट की हैं, तो आपने इशारात की मदद से हिंट्स को फॉलो करते हुए आपने लाइंस राइट करनी है जो आपके घर के मुताबिक हो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मेरा घर, आपने अपने घर के बारे में लिखना है। ये कुछ इस तरह से ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं, आपने जो है वो जुमलों की सूरत में यहाँ पे राइट करना है और हर लाइन के एंड पे आपने खत्मे का निशान लगाना है।
उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।